जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय, तीन बांध धारी की जय। नरसिंह अखाड़ा परिचालना समिति का तुल्लापट्टी हनुमान मंदिर में जो दो दिन का भव्य आयोजन हो रहा है, उसकी निशान यात्रा आज हमने सुबह 7:30 बजे गोपाल अखाड़ा मंदिर से आरंभ कर पहली बार बराकवेली के इतिहास में श्री श्याम दरबार में लगभग 300 निशान ध्वजा लेकर महिलाएं, पुरुष, बच्चे गाजे बाजे के साथ यहाँ पे मंदिर परिसर में पहुँचे। यहाँ पे अब 3 और 4 को गुवाहाटी के सुप्रसिद्ध कलाकार महेंद्र मारवाड़ी जी आ रहे हैं, जिसकी भजन संध्या आज शाम 4 बजे और कल भी रहेगी। ये जो वार्षिक उत्सव है मंदिर में, सभी मंदिरों की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी 3 साल पहले, उसके बाद यहाँ पे सभी मंदिरों को आज पूजा जाएगा। सभी मंदिरों के यजमान मंदिरों की एक अच्छी तरह पूजा करेंगे और श्याम बाबा की शाम को ज्योत होगी, फिर उनके श्रृंगार, अलौकिक श्रृंगार जो श्याम बाबा का किया गया है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो है इत्र वर्षा होगी, पुष्पों की होली खेली जाएगी और लड्डू गोपाल जी को भी हम पुष्पों से होली खिलाएंगे, तो होली उत्सव का भी एक इसमें समागम रहेगा। ये जो यात्रा है, ये बराकवेली में पहली बार एक ऐतिहासिक यात्रा के रूप में आई। भक्तों का जो जोश था वो देखने में ही बन रहा था। मैं अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा लग रहा था कि खाटू श्याम जी, जो राजस्थान के सुप्रसिद्ध जो भगवान का मंदिर है, वो सिलचर में ही आ गया हो। और आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी को, कि एक बार आप श्याम मंदिर में ज़रूर आइए, इस बालाजी महाराज के सामने श्याम दरबार में आप माथा टेक के आपकी जो भी मनोकामना है वो मांगिए। आप देखिएगा यहाँ चमत्कार होता है। यहाँ पे सारी जो भावनाएं हैं, भावना का ही खेल है और अद्भुत आयोजन ये सिलचर में हो रहा है। मैं नरसिंह अखाड़ा तुल्लापट्टी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भक्तों के लिए इतना विशाल और इतना सुंदर उन्होंने आयोजन किया है। उसके बाद विभिन्न संस्थाओं ने हमें सहयोग दिया है। रास्ते में जल सेवा के लिए मारवाड़ी युवा मंच भी तत्पर होकर आया, अग्रवाल सेवा समिति भी तत्पर होकर आई, बाकी सारी संस्थाएं जो है जुड़ के सिलचर के सभी भक्तगण अपना सहयोग देके इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर, बहुत ही सराहनीय बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज तो पहला दिन है और जब हमारा आरंभ ही इतना अच्छा हुआ है तो अंत भी बहुत अच्छा होगा। और हम कमेटी मेंबर्स की तरफ से ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले साल में और भी भव्य कार्यक्रम आप सभी के लिए लेके आएंगे। मैं सभी श्रद्धालुओं से, श्याम भक्तों से और हर धर्म प्राणी आदमी से रिक्वेस्ट करता हूँ, व्यक्ति से, भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 3 और 4 को शाम को जो हमारी भजन संध्या है, कल हमारा महाप्रसाद है, सभी लोग इसमें सम्मिलित हों और पुण्य के भागी बने। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आज हम सब भक्तों ने मिल के गोपाल अखाड़ा से निशान यात्रा को आरंभ किया है, जो कि नरसिंह अखाड़ा मंदिर में आके समाप्त हुई है। भक्तों की खुशी जो चेहरे पर झलक रही है, शायद कोई शादी विवाह हम लोग अटेंड करते हैं उतनी खुशी नहीं होती है जितनी आज खुशी है। और मैं मेरा पर्सनली बता रही हूँ कि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, फिर भी मेरा इतना एक्साइटमेंट था कि मेरा शरीर साथ दे रहा है। और ये मंदिर की सजावट, इसको देख के आप क्या सोचें, जो मंदिर इसको मिस कर रहे हैं, जो लोग भी, वो ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग आए, क्योंकि मंदिर में 2 दिन का प्रोग्राम है जो आज शाम को भी चलेगा, कल भी चलेगा। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि सब भक्त आए ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस प्रोग्राम को जो हुआ उसको सक्सेस बनाए और एन्जॉय करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतने लोग हो जाएंगे, पर एक एक करके इस तरह से कदार पे जुड़ते गए, वो सब बाबा की मेहरबानी। जितना एंजॉय किया, जितना बोलना है, बहुत कम है। जय श्री श्याम। जय श्री